तो अभी बस देखें, ये पहले जो है ना जगह बना रहा है जहाँ पे मिट्टी हम डालेंगे, तो ये हमारे घर आया हुआ है। ये देखिए, तो अभी बस ये देखें ये जगह बनाई है ताकि आसानी के साथ अंदर ट्राली आ सके। अस्सलामुअलैकुम विवास, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जितने बहन भाई बुजुर्ग इस दुनिया में बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको शिफा दे। और जितनी भी जिनकी परेशानियाँ, अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करें। और जिन बहन भाइयों की औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से नवाजे। इन्हीं दुआओं के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो अभी बस देखें, जैसा कि आप सब बहन भाई देख रहे हैं कि हमारे घर में ट्रैक्टर ट्रालियाँ आई हुई हैं और मजदूर भी एक दो आए हुए हैं और जो है ना मिट्टी हमारे घर में आ रही है। वो जो बाकट होता है जिसके साथ ट्रालियाँ मिट्टी से भरते हैं, उसका एक चंबा होता है जो वो भाग के यानी कि ट्राली के अंदर डाल देता है, तो वो भी हमारे घर आया है। तो उसने जो है ना आगे की जगह बनाई है ताकि जो है ना ट्रैक्टर ट्रालियाँ आसानी के साथ आएँ और जो है ना मिट्टी डाल के चली जाएँ। तो इस तरह वो आके आगे की सेटिंग कर गया है, लेवल कर गया है, तो अब वो चला गया है। लेकिन जो है ना ट्रैक्टर ट्रालियाँ आ रही हैं तो मिट्टी हमारे घर में जो है ना आ रही है, वो भी मैं आप सब बहन भाइयों को दिखाता हूँ। तो आज मैं बड़ी मुश्किल के साथ वीडियो बना रहा हूँ। काम इतना था कि मुझे वीडियो बनाने ही नहीं दे रहे थे, तो मेरे बहनों ही कहते थे ये काम कर लें फिर वीडियो बनाएँ, ये काम कर लें फिर वीडियो बनाएँ। तो अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, अम्मी ने कहा कि बस चाय बना के दे दें इन्हें तो फिर आप वीडियो बनाओ। तो मैं फिर गया हूँ दुकान पर, चाय और चीनी ले आया हूँ, तो फिर जो है ना चाय बनाई है, उनको चाय वगैरह पिला के अब मैंने कहा मुझे वीडियो स्टार्ट करने दो। तो अभी मैं आप सब बहन भाइयों को दिखाता हूँ हमारे घर कैसे भरा आ रहा है, और जो है ना मैं वो दिखाता हूँ बाकट भी दिखाता हूँ जिसके साथ ट्रालियाँ भर रहे हैं। तो आप सब ने आज की वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो अभी बस ये देखें, ये फैसल खड़ा हुआ है और फैसल के साथ ही जो जगह पड़ी हुई थी इधर सारी की सारी मिट्टी आ गई है, तकरीबन 10 ट्रालियाँ इधर आ गई हैं और जो है ना उस साइड पर भी मिट्टी आ गई है, तकरीबन 5-6 ट्रालियाँ उधर भी आ गई हैं। तो इसी तरह मुकम्मल हवेल के अंदर जो है ना मिट्टी आएगी फिर इसका लेवल होगा। फैसल देखें ट्रैक्टर को देखता है, डंड लगाता है। बस देखें ये ट्राली आ गई है, अब इसको उतारेंगे। ये हमारी हवेल के अंदर डायरेक्ट ट्राली आती है, रास्ता बना हुआ है बाहर से। ये देखें ये जैक लगा हुआ है, इसको ये ऐसे ऊपर जाएगी फिर नीचे मिट्टी नीचे आएगी। ये देखें बस देखें आस्ते आस्ते ऊपर जा रही है।
सब मट्टी जो है वो पलट गई है। ये देखिए आप सीधी हो जाएगी जैसे होती है। अब ये बहुत फ़ायदा हो गया है, पहले जो है ना ऐसे कस्सी के साथ जो है ना मट्टी को बाहर निकालते थे तगाली से, अब ये जैक लगे होते हैं बस जो है ना तगाली को ऊपर ले जाते हैं, मट्टी नीचे आ जाती है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है बिल्कुल। तो अभी बस ये अभी जा रही है, ये देखिए फैसल जो है ना खड़ा हुआ है, ये तगाली को देख रहा है और डंड लगा रहा है। तो अभी बस देखिए अब मैं फैसल भाई के पास आया हुआ हूँ। तो फैसल कैसे ट्रैक्टर ट्रालियाँ आ रही हैं? फैसल बहुत खुश होता है जब देखता है ना ट्रैक्टर ट्रालियाँ आती हैं। तो वो जो आई है ना बड़ा जो बाकट आया है जिसके साथ वो चंबा लगा हुआ है, फैसल उसको देख के दाग गया है। तो फैसल की तरफ आ रही थी तो ये दाग गया है। तो ये जल्दी जल्दी बाहर कोठी के बाहर आता जाता रहता है ना, तो बाहर खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी अंदर चला आया है, मुझे पता लग गया ये बाकत से जो है ना डाइग गया है। फैसल डाइग गए हो? तो विवश देखे अभी भी तराली जो है ना पीछे पलट रहे हैं। तो विवश अब मैं चलता हूँ जहाँ से मट्टी उठा रहे हैं और जो है ना जिस बाकट के साथ वो उठा रहे हैं वो भी मैं आप सब बहन भाइयों को दिखाता हूँ। तो आप सब ने आज की वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो चलते हैं, ये देखें ये हमारे घर के सामने जो जगह है वहाँ पे ये तैयारी उठवा रहे हैं और साथ साजिद भाई भी खड़े हुए हैं। तो ये हम लिख के देते हैं तैयारी, ये अब लिख के देंगे कि इसकी तैयारी आ गई है। ये देखें साजिद भाई लिख के दे रहे हैं। तो अभी बस देखें अब मैं आ गया हूँ जहाँ से मट्टी उठा रहे हैं और बाकट के साथ जो है ना ट्रालियों में डाल रहे हैं। तो ये मैं आप सब बहन भाइयों को दिखाता हूँ। तो अभी बस ये ज़्यादा सफ़र नहीं है, हमारे घर से बिल्कुल नज़दीक ही है, तो इसलिए जो है ना जल्दी जल्दी भी काम हो रहा है और जो है ना ये फ़ायदा भी हो गया। अगर ज़्यादा सफ़र होता है तो ये पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नसीब अच्छा है कि हमें साथ ही में जो है ना मट्टी मिल गई है और जो है ना हमारा काम एक तो जल्दी भी हो जाएगा और जो है ना कुछ कीमत में भी फ़ायदा होगा, यानी कि कुछ सस्ता काम हो जाएगा। तो अभी बस देखें अब ट्राली आ गई है, तो दो ट्रालियाँ इसके साथ, तो ये एक बाकट है। तो ये जो है ना अभी इस ट्राली को भरेगा मट्टी के साथ, ये देखें। ये देखें कैसे मट्टी उठाता है इतनी। ये बिल्कुल आगे इसका कुक्का की तरह है जैसे वो होता है। ये ट्रैक्टर भी बड़ी है, ताकत वाली है, छोटी मोटी ट्रैक्टर का काम तो नहीं है ये जो है ना बाकट को चलाना। ये देख ये चार पांच चंबे बस आते हैं, ट्राली फुल हो जाती है। तो अभी बस देखें ये ट्राली अब फुल हो गई है
तो ये देखें, ये पीछे और ट्रालियाँ भी आ गई हैं। तो अभी बस देखें माशाल्लाह से काम हो रहा है। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया है जब से ये वाला ट्रैक्टर वाला बकेट आ गया है। तो ये जो यानी कि 25-30 ट्रालियाँ होती हैं, 40 होती हैं, ये इनसे जल्दी काम हो जाता है। तो वो जो कुक्कर वाले होते हैं, हम तो उसे कुक्कर कहते हैं, वो जो बड़ा सा होता है, जो जिसका चंबा लगा होता है, तो वो तो फिर इतना टाइम ही नहीं होता उनके पास। वो जहाँ पे 200 ट्रॉली 300 ट्रॉली होती है वो वहाँ पे जल्दी आते हैं, तो ये छोटे काम पे नहीं आते 30-40 ट्रॉलियों पे। तो ये बाकट के साथ, इस ट्रैक्टर के साथ हो जाता है। तो ये जो है ना, अच्छा काम हो गया है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सब बहन भाइयों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।